रामगंज पोस्ट ऑफिस में गत 8 दिसंबर को हुई चोरी के बाद उच्च अधिकारियों के निर्देश पर पोस्ट ऑफिस कार्मिकों ने सोमवार शाम रामगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पोस्ट ऑफिस में कार्यरत करण सिंह ने बताया कि पोस्ट ऑफिस से ब्लैक फॉर्म, डिपॉजिट और विड्रॉल फॉर्म और पुरानी लेजर जिसमें पिछले 10 साल का रिकॉर्ड दर्ज है, अज्ञात चोर चोरी करके ले गए। इस चोरी का पता 10 दिसंबर को चला। जब रामगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने गए तो रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। बाद में उच्च अधिकारियों और एसपी के दखल के बाद सोमवार को मामला दर्ज किया गया। विड्रॉल फॉर्म और डिपॉजिट फॉर्म लेने के लिए जब स्टोर रूम में गए तो वहाँ देखा कि ताला बिल्कुल ही अलग टूटा हुआ था और दरवाजा जो बिल्कुल अलग ही रखा हुआ था। उसमें मालूम पड़ा कि उसके अंदर जो जमा पर्ची या विड्रॉल स्लिप, पुराने लेजर और बाइंडर्स वगैरह जो रखे हुए थे वो चोरी हो गए। इसके हमने तत्काल हमारे उच्च अधिकारियों को इसकी शिकायत कर दी और उच्च अधिकारियों द्वारा बोलने पर कि इसकी एफआईआर दर्ज कराइए, हम रामगंज थाने में जाकर इसकी एफआईआर की एक कॉपी देके गए। अजय नगर के आगे बनी बाढ़ पीड़ित कॉलोनी अभिषेक कॉलोनी के बाशिंदे शहर में रहते हुए भी नार के जीवन जीने को मजबूर हैं। कहने को इस कॉलोनी में इंसान रहते हैं लेकिन हालात देखकर यहां जानवर भी गुजरना पसंद ना करें। सुबह जब पेयजल सप्लाई शुरू होती है तो गली कीचड़ और पानी में तब्दील हो जाती है। सीवरेज लाइन के खड्डे भी दिखाई नहीं देते। अधिकतर लोग कम प्रेशर आने की वजह से पानी की मोटर डायरेक्ट मेन लाइन से जोड़ लेते हैं जिससे दूसरे घरों में पानी पहुंच ही नहीं पाता। कई लोगों ने जलदाय विभाग से मिली भगत कर एक एक घर में दो दो अवैध कनेक्शन ले रखे हैं। बात करने पर ये लोग झगड़े पर उतारू जाते हैं। इस पीड़ा को यहाँ रहने वाले कई परिवार झेल रहे हैं। सुभाष नगर और केसरगंज जलदाय विभाग को कई मर्तबा शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की गई लेकिन किसी भी अधिकारी कर्मचारी ने कॉलोनी में आने की जहमत तक नहीं उठाई। हमारा जो अभिषेक कॉलोनी अजयनगर अजमेर है, यहाँ पर क्या सेवादान के कारण जो है रोड खुदे हुए हैं और ये है कि वहाँ पर जो पानी की सप्लाई है बहुत ही कम हो पाती है। इस प्रकार से क्या है, जो लोग जिनके घरों में एक एक मेन कनेक्शन है उसके अलावा भी लोगों ने जो है अवैध कनेक्शन ले रखे हैं। इसके कारण क्या वहाँ जो बाकी लोग हैं वो पानी की समस्या से बहुत जूझ रहे हैं। तो मेरा निवेदन है कि वहाँ पर जितने अवैध कनेक्शन है उनको बंद करवाएं और जो पानी की लाइन है दुरुस्त करवाएं ताकि बड़े बुजुर्गों जितनी भी महिलाएं हैं उनको पानी की समस्या से छुटकारा मिल सके।